समझते हैं दूसरे टाइप की लाइफ प्रोसेस को, जो कि है रेस्पिरेशन। तो हम लोग तो रेस्पिरेशन का मतलब केवल सांस लेना समझते हैं, पर एक्चुअली में रेस्पिरेशन सांस लेने के साथ साथ कुछ और भी होता है। तो आइए जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं द प्रोसेस विच ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रीथिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और इसमें ब्रीथिंग भी शामिल होती है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तभी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगी। और जो फूड होता है वो मोस्टली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, इसलिए रेस्पिरेशन में मोस्टली जो एनर्जी रिलीज होती है वो ग्लूकोज से होती है। तो आइए जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कितनी स्टेज में होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो दो स्टेजेस में होता है, जो कि है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करता है, मतलब अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, मतलब बाहर निकालता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दूसरा जो स्टेप होता है वो है गैसेस एक्सचेंज। तो इस स्टेप में ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में पहुंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज हो जाती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज स्टोमेटा की हेल्प से होता है, जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है। तो अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन की दूसरी स्टेज को, जो कि है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर गैसेज का एक्सचेंज आर्टेरियल ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में होता है। अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो इट इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक टर्म आया है एटीपी, तो चलिए समझते हैं कि एटीपी क्या होती है। तो एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है वो एनर्जी की करेंसी होती है, हर एक सेल की जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में वो एटीपी के मॉलिक्यूल बनने के लिए होती है। तो अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को समराइज करके देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया तक चलती है। तो अब आप इस रिएक्शन को देखिए, ग्लूकोज गिव्स पाइरोवेट प्लस एनर्जी इन साइटोप्लाज्म एंड पाइरोवेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले जो फूड है, या हम कहें ग्लूकोज जो है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां पर वो पाइरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो पाइरोवेट जो है वो लिविंग सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। तो अब आप लोग कहोगे कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पाइरोवेट जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन और वाटर को फॉर्म करता है, और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। ये जो प्रोसेस है इसमें एटीपी के 38 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, जिसे हमारी बॉडी यूज करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों ये जो सारी रिएक्शन है वो सेल के अंदर हो रही है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन के दूसरे टाइप को, जो कि है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इट इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकरिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, और इस प्रोसेस में काफी कम एनर्जी रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल एक्सेट्रा। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके आधार पर इसे दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर जो शुगर होती है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। ये जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल बियर, वाइन और चीज बनाने के लिए किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है वो मेनली ईस्ट में देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की रिएक्शन को देखते हैं। तो अब आप रिएक्शन को देखिए। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और उसके बाद पाइरोवेट जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि होती है एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में काफी कम एनर्जी रिलीज होती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा जो फॉर्म है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर शुगर जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर ब्रेकडाउन हो जाती है ऑक्सीजन की कमी में, फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया हु टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड्स, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि दूध को दही में जमा देते हैं। तो दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम लंबे समय तक हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पाइरोवेट में चेंज हो जाता है, और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। पाइरोवेट फॉर्म होने के बाद जो मसल सेल्स होते हैं उनमें कम ऑक्सीजन होने के कारण लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि होती है 2 ATP। तो अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे आपको ये तो पता चल चुका होगा कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं है, प्लांट्स जो है वो सांस भी लेते हैं और एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन दो फेजेस में करते हैं, जिसमें से पहला फेज है ब्रीथिंग या गैसेज एक्सचेंज,
और दूसरा फेज है रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके तीन पार्ट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और वो तीन पार्ट्स है लीव्स, स्टेम और रूट्स। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें टिनी पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। और इनके आसपास गार्ड सेल पाए जाते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। और जो स्टोमेटा होता है वो सभी लीव्स में पाया जाता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करता है। इसी के साथ जो प्लांट्स की स्टेम होती है उसमें भी छोटे छोटे लेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें भी रूट्स हेयर प्रेजेंट्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो ये थे टोटल तीन तरीके प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के, या हम कह सकते हैं ब्रीथिंग के। तो अब हम देखते हैं कि जब प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वो एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्लांट्स की सेल में जो ग्लूकोज होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फॉर्म होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। इसे हम इस रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हो जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहा है और साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, और ये जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है। तो आप सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को हम इसी डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एयर जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल से एंटर करती है, और जब एयर हमारे नॉस्ट्रिल में एंटर करती है तो नॉस्ट्रिल जो है वो एयर को फिल्टर करता है और डस्ट पार्टिकल को लंग्स में पहुंचने से रोकता है। उसके बाद एयर जो है वो हमारे फेरिंग्स और लैरिंग्स की हेल्प से ट्रेकिया में पहुंच जाती है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया जो है वो एयर को लंग्स तक पहुंचाता है। तो लंग्स के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्बुलाई। तो ट्रेकिया जो है वो एयर को ब्रोंकाई तक पहुंचाता है, उसके बाद एयर ब्रोंकियोल्स में पहुंचती है, और उसके बाद एयर फाइनली एल्बुलाई में पहुंच जाती है। तो यहां तक जो प्रोसेस आपने देखी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन ऑफ एयर, मतलब कि एयर को अंदर लेना। तो जब एयर एल्बुलाई के अंदर पहुंच जाती है तो हमारी चेस्ट कैविटी एयर से फिल हो जाती है, और हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब कि चौड़ी हो जाती है, जैसा कि हम महसूस भी करते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है यानी कि बड़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब इनहेलेशन हो जाता है तो उसके बाद एयर का एल्बुलाई के अंदर क्या होता है। तो एल्बुलाई जो होती है वो रेस्पिरेशन में गैसेज एक्सचेंज की साइट होती है। तो इनहेलेशन के बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि एल्बुलाई में होती है। तो गैसेस के एक्सचेंज को समझने के लिए हमें एल्बुलाई के डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो एल्बुलाई जो है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है, और जो एल्बुलाई की वॉल्स होती हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। तो अब आप समझो कि जो एल्बुलाई है उसके अंदर जो गैस है वो है ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल्स जो कि एल्बुलाई से कनेक्ट है उसमें ब्लड्स के साथ साथ कौन सी गैस फ्लो हो रही है, CO2। तो जो एल्बुलाई की जो वॉल्स होती है वो काफी थिन होती है, तो एल्बुलाई की जो वॉल्स हैं उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्बुलाई में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारी एल्बुलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन का क्या होता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तो वह हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक ऑक्सीहीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट बना लेती है, जिसके बाद ब्लड इनको डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज तक लेकर जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को हर एक सेल्स और टिश्यूज के अंदर लेकर जाता है। तो इसके आगे जो प्रोसेस होती है वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। तो अब हम वापस एल्बुलाई की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्बुलाई में है वो बॉडी से बाहर कैसे निकलती है। तो जब ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हो जाती है तो CO2 जो है वो एल्बुलाई से ट्रेकिया में पहुंच जाती है, और उसके बाद CO2 जो है वो नॉस्ट्रिल के द्वारा बाहर निकल जाती है, और इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। और जब CO2 बॉडी से बाहर निकलती है तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती है। तो अभी जो आपने तीन प्रोसेस देखी, इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी जल्दी चलती है,